हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली बीएम साइंस आज थोड़े सामने आठवीं जमात की दूसरी क्रिया लेके हाजिर हुई है। इस क्रिया में असी बिजली सर्किट को समझने की कोशिश करांगे। सब तो पहले बेटा सानू यह पता होना चाहिए कि बिजली सर्किट है की चीज। बिजली सर्किट असल में वो रस्ता है जिस विच बिजली करंट वहिंदा है, फ्लो करता है। सो जेकर करंट ने चलना है तो यह सर्किट पूरा होना चाहिए। इस क्रिया को करने लिए लोड़ींदा सामग्री कुछ इस तरह है। असी एक सेल लेता है, थोड़ा बेटर रिजल्ट्स वास्ते असी 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सानू बिजली की तारा चाहिए, नाल सानू एक बल्ब चाहिए है। मैं इतने LED लिखी है, पर जे असी टॉर्च का बल्ब ले लीए तो साडा रिजल्ट थोड़ा जिहा होर प्रोमिनेंट हो जाता है। इस तो इलावा एक आयरन नेल लिता है, नाल ही एक चौक का पीस जो कि एक चालक है, नेल लिता है जो कि चालक है। तो जे बिजली तार का रिजल्ट बेटर चाहिए हो तो पहले रगड़ के इस्तेमाल करना चाहिए है, जिदे वास्ते मैं एक रेनमार का पीस भी अपने कोल रखा है। अब हम इस क्रिया को करके देखते हाँ। मैं इस सैल के जोड़े दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल तो एक नैगेटिव टर्मिनल। तुम सारे जानते हो कि करंट जोड़ा है वो हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो करता है। उसकी डायरेक्शन जी होती है वो कन्वेंशनली मनी जाती है कि पॉजिटिव एंड तो नैगेटिव वाल चलती है। सो इस चीज़ को शो करने वास्ते मैं ये बिजली तार की तार जिदे LED ऑलरेडी मैं अटैच की हुई है, हूँ इसको बेटा जी दोनों टर्मिनल्स से फिट कराँगी। जो मैं फिट करती हाँ तो थोड़ा जहा क्लोज व्यू नाल तुसी देख पाओगे कि इहदा जिहड़ा LED है वह ग्लो कर रहा है। ये प्रोमीनेंट इन्ना ज़्यादा नहीं है, जे तुसी टॉर्च का बल्ब लोगे तो तुहानू प्रोमीनेंस बहुत मिलेगी। बट एक चीज़ नू समझन वास्ते कि LED क्यों ग्लो कर रही है, बिकॉज इत्थे सर्किट पूरा हो गया। जेकर मैं एक पास्यों टर्मिनल हटा देवा तो यह ग्लो करना बंद कर गया। तुसी कह सकते हो कि इस वेले जो मैं टर्मिनल तो अटैचमेंट हटाता मैं की किया, मैं सर्किट नू ब्रेक करता। जदों सर्किट कंप्लीट है यह ग्लो कर रहा, तुसी फिर देख सकते हो। जदों सर्किट इनकंप्लीट है यह ग्लो नहीं कर रहा। हुण इसे क्रिया नू असी एक होर ढंग नाल भी कर सकते हैं। असी इस सैटअप विच एक एडिशनल वायर लिती है बेटा, तो तुसी देख पा रहे हो जे मैं ये चेक करना होए कि कोई भी वस्तु जिहड़ी मेरे संपर्क विच हैगी है कि वो चालक है या कुचालक। जिद्दां मैं एक चालक लिता है तो एक कुचालक लिता है। इस एडिशनल वायर की मदद दे नाल जदों मैं इस सैटअप विच चालक नू एडजस्ट करांगी तो तुसी देख पाओगे कि इस LED सर्किट कंप्लीट हो गया तो तुहाडे सामने LED ग्लो कर रही है। दूसरे पास जे इसे सर्किट विच मैं इस आयरन नेल नू हटा के एक कुचालक जो कि इत्थे मैं चौक का पीस लिता है उसनू एडजस्ट करांगी। जस्ट अ मोमेंट, यह एक चौक का पीस मैं एडजस्ट कर लिया। तो हुण जदों मैं अपना सर्किट कंप्लीट कर दी हाँ तो तुसी देख पा रहे हो कि LED ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि जदों भी साडे सर्किट विच एक कुचालक असी अटैच किया होया है वो किसी हद तक साडे सर्किट नू ब्रेक कर रहा है, जिस करके करंट फ्लो नहीं कर पा रहा तो LED ग्लो नहीं कर पा रही। सो इस छोटी जी क्रिया ने नाल असी दो गल्लां बहुत अच्छे तरीके नाल समझ गए कि करंट सिर्फ ते सिर्फ उसे वेले फ्लो कर सकता है जदों सर्किट पूरा होंदा है। तो जेकर सर्किट पूरा नहीं है तो करंट ग्लो फ्लो नहीं करेगा, जिस करके LED ग्लो नहीं करेगी। सो दूसरे पासे असी डिफरेंस भी समझ लिया कि जिहड़े चालक हुंदे है वो करंट नू फ्लो करन दिंदे है ते कुचालक जिहड़े हुंदे है वो करंट नू फ्लो नहीं करन दिंदे। धन्यवाद।